एल्बम है लंबी जुदाई 1 मिलियन क्रॉस किया, क्या कितनी खुशी मिल रही है और जो लोग इन्वॉल्व हैं इसमें उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जी मैं बहुत खुश हूँ और मैं थैंक यू करती हूँ, सब ने मुझे पसंद किया और नवाजिश करम शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह मैं इसके बाद रश के कमर आ रहा है मेरा, इसी वीक में इंशाल्लाह आ जाएगा, कोशिश है कि जल्दी आ जाए, पर एक वीक का मैं इसलिए बोल रही हूँ कि कुछ काम है उसमें, पोस्टर रिलीज हो चुका है। थैंक यू सो मच। तो इस गाने के काम करने का अनुभव कैसा था आपका, जो कवर सॉन्ग था किस तरह का अनुभव था? जी बहुत अच्छा लगा, योगेश कुमार जी ने बहुत अच्छे से गवाया मुझे, क्योंकि रेशमा जी का वॉइस बनाना कोई खेल नहीं है, ना कोई सिंगर बना सकती हैं। बहुत कोशिश की मैंने भी कि रेशमा जी के पैरों के पास कहीं बैठ जाऊं, है ना अजीम साहब, कोशिश की मैंने। और आगे जो गाना आ रहा है रश के कमर का क्या करते हैं? रश के कमर भी इंशाल्लाह इतना ही अच्छा होगा, दुआ करती हूँ मैं, इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा, लोग पसंद करेंगे और जिन्होंने पसंद किया उनके लिए बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। योगेश जी आपका बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। जो कामयाब हुआ ये लंबी जुदाई एल्बम और दोबारा ये आ रहा है, रश के कमर क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, वाईके सीरीज के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जी जी, वाईके सीरीज हमने अपना एक प्लेटफॉर्म रेडी किया है, जो कि हम सब मिलके हमारा ग्रुप पे हमने अपनी कोशिशें जारी हैं, है ना, जिसके हम अभी प्रोडक्ट कर रहे हैं, जिसके रिप्रेजेंट अभी जो कर रहे हैं वो किमी शर्मा जी हैं, जो जिनके पीछे पीछे हम चल रहे हैं, तो उनके बैक टू बैक गाने आ रहे हैं, कुछ ओरिजिनल हैं, कुछ अभी कवर के रूप में हैं, अभी इसके बाद हम इनके ऊपर ओरिजिनल्स के ऊपर काम करने वाले हैं। हालांकि ये ओरिजिनल आर्टिस्ट हैं, बहुत उम्दा आर्टिस्ट हैं, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन आर्टिस्ट हैं, तो हमें भी काम करने का इनके साथ बहुत मज़ा और बहुत पैशन है और आगे फ्यूचर को लेके बहुत सारी प्लानिंग्स है, और है ना एक दूसरे के साथ से सारी चीज़ें हम चाहते हैं भी बैक टू बैक मूव करें, जैसे कि वाइट के सीरीज़ को आर्टिस्टों की ज़रूरत है और आर्टिस्टों को प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत है, तो बस हम ये हैं भी एक दूसरे के साथ सब ग्रो करें। तो मैंने एज एन म्यूज़िक डायरेक्टर इनके प्रोडक्ट्स में इन्वॉल्व रहता हूँ, मैं एज एन वीडियो डायरेक्टर इन्वॉल्व रहता हूँ, तो बस यही कोशिश है, बस यही कोशिश है कि अच्छे आर्टिस्ट सामने आए, तो उस वजह से जब सब हम आर्टिस्ट हैं बट फिर जब कोई अच्छा आर्टिस्ट होता है जिसका पहले कुदरती या एक लाइफ में जो भी होता है एक नंबर आता है ना, उसके पीछे हमारा क्या रहता है, हम सब जुट के एज एन टीम वर्क उसको बूस्ट करें। तो बस अजीम सिराजी जी हैं, जमील भाई हैं, बहुत अच्छे राइटर हैं, इनके कलम के बिना हमारे अल्फाज पूरे नहीं हो सकते, ठीक है, और अच्छे सिंगर के बिना एक अच्छा प्रोडक्ट नहीं बन सकता, और बस यही है भी अच्छे आर्टिस्ट जब भी हमें साथ मिलता है तो हमारी कोशिश रहती है एज एन टीम हम उनको उनके साथ ज्वाइन करें और एक दूसरे के साथ। इंशाल्लाह आपको पता ही होगा अजीम साहब कौन है, अजीम सिराजी, कभी जो बादल बरसे मैं देखूँ तुझे आँखें भर के, इनका बहुत हिट हुआ है गाना और माशाल्लाह अभी हमारे साथ काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे इनका गाना मैं गाने वाली हूँ। हाँ ये सबकी दुआएं हैं, बहुत जल्दी खुश नसीब में पहले से ही थी, लेकिन ये दुआएं हैं कि मेरे साथ काम कर रहे जमील भाई, अजीम साहब, जावेद भाई, हमारे पूरा ग्रुप है, आकिश है, मिशा है, हम सब मिल के काम करने वाले हैं और वो इंशाल्लाह बहुत अच्छा काम होगा। थैंक यू सो मच अजीम साहब। किम्मी जी की मैंने आवाज़ सुनी है और मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही अल्टीमेट सिंगर हैं और वर्सेटाइल हैं, कोई भी गाना इनके लिए नामुमकिन नहीं है मेरी नज़र में, चाहे वो गज़ल हो चाहे गाने हो, हर एक के साथ मुकम्मल इंसाफ करने का पूरा पूरा जो है एतमाद रखती हैं, हिम्मत रखती हैं, कुदरत ने नवाजा है। जी मैं इसके बारे मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, आप सबसे माफ़ी चाहूँगा, इनकी बात को मैं कहना चाहता हूँ, ये जो रश के कमर हैं इनकी जो क्वालिटीज़ हैं एज एन सिंगर, ये मल्टी टैलेंटेड हैं, ठीक है, हर कोई आज के टाइम में रोमांटिक गानों के साथ जुड़ना चाहता है, रोमांटिक गाने कहना चाहता है ना, तो पर कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं भी हमारे म्यूज़िक में बहुत सारी वर्सेटैलिटी है, बहुत सारे रूप हैं इसके, उन रूपों से हम बचते हैं, पर मैं चाहता हूँ कि ये जो किमी शर्मा जी हैं इनका सूफी अंदाज बहुत पकड़ है इनकी, तो मैं चाहता हूँ भी हर अंदाज इनका दर्शकों के रूबरू ऑडियंस को पता चलना चाहिए भी, है ना, आर्ट के और भी बहुत सारे फॉर्म्स हैं, बहुत सारे चेहरे हैं, रूप है, वो भी सारे सामने आने चाहिए, तो रश के कमर की मेरी पर्सनल गुजारिश थी इनके आगे, मैं चाहता था कि आप अपने ये स्टाइल है जो इसके ऊपर
आप सूफी अंदाज में रश्के कमर को भी कहें, इतना उम्दा गाना है, कवाली है नसरत साहब की, माफ़ी चाहूँगा गाना बोला है पर, है ना, तो बहुत उम्दा आर्टिस्ट हैं नसरत साहब, और इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं, हर कोई करता नहीं है, कहीं भी हम पहुँच सकें उनके पैरों के पास, कोशिश की हमने, तो बस आशीर्वाद लेने के लिए ही आप समझ लीजिए भी हमने ये कोशिश करी है, हमारी शुरुआत अच्छी हो, सारी चीज़ें अच्छी हो, जिसमें रेशमा जी और नसर फत अली खान जी आशीर्वाद ब्लेसिंग्स लेने के लिए हम ये शुरुआत कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और रश्के कमर थैंक यू सुने, अभी रिलीज होएगा एक हफ्ते बाद, बस थैंक यू। किमी जी तो मेरी सिस्टर हैं ऑफकोर्स, उनके लिए तो मैं हमेशा दुआएं करता हूँ, मैं उनका छोटा भाई हूँ, बट उनकी वॉइस का, उनकी क्वालिटीज़ जो उनके पास सिंगिंग का टैलेंट है उसके लिए मैं हमेशा, मतलब मेरे लिए वो, मैं जब उनको सुनता हूँ तो मेरे लिए एक अलग ही, जो मैं एक जोन में जाता हूँ वो अलग ही जोन है, उनकी क्वालिटीज़ मेरे लिए बहुत मायने करती हैं। एंड जो उनका ये गाना आया लंबी जुदाई, अभी जो आने वाला है रश्के कमर एंड ऑल, सो मैं हमेशा दुआ करता हूँ, मैं अपनी बहन से, मैं अपने सभी जितने भी व्यूज़ हैं जिन्होंने ये गाना देखा है, मैं उनसे थैंक यू बोलना चाहता हूँ, और आने वाले अपकमिंग सॉन्ग्स के लिए मैं दुआ करता हूँ कि वो और भी हिट जाए। थैंक यू, और दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच ब्रो, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू ब्रो।